मजदूरी भी कर लेता हूँ समय निकाल करके। अभी यहाँ भी समय देना है, हाँ अपना मजदूरी भी खर्चा जो कमा लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ, हाँ लेकिन ऐसे हमको 20 साल से ये लोग सरकारें ऐसी आई हैं, ये गरीबों की तो कोई सुनवाई करता नहीं। चाहे कहीं भी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, वकील पैसे ले करके हाँ बिक बिक जाते हैं, हाँ उससे धक्के खाते 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 15 साल 20 16 साल घर छोड़ दिया था, उसमें हमारी ज़मीनें कब्जा कर लिए दूसरों ने, लेखपाल पटवारी कानगो और तहसीलदार मिल करके कराए भाई। इसके लिए भी मैंने 5 साल 6 साल हो गया दौड़ते दौड़ते, गाजीपुर के तो कोई नहीं छोड़ा, दिल्ली लखनऊ में भी नहीं छोड़ा, जब वहाँ से नहीं हुआ दिल्ली तक आया, हाँ दिल्लियों में भी वही हाल दिख रहा है। शंभू यादव जी जो सरकार थी यहाँ पे अखिलेश यादव जी की, हाँ वो तो कहते थे कि हमारा काम बोलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काम बोलता है, उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी नहीं स्वार्थवादी पार्टी है, उसके अंदर अखिलेश नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि अखिलेश है, हाँ लेकिन अखिलेश के साथ बहुतेरे स्वार्थी लोग जुट गए हुए हैं, और जो स्वार्थी लोग हैं वो क्या काम करते हैं, लूट पुट अगड़म 22 में उनका ज़्यादा दिलचस्प रहता है, और अखिलेश के आड़ में हैं जैसे जिला अधिकारी हो गया, SDM हुआ, तहसीलदार हुआ, उनसे ये फर्जी काम करा लेते हैं, मतलब सही से काम नहीं हो पाता है ना। सच्चाई तो कोसों दूर है, इन कोई भी सरकारें हों, सब खाली जुमलाबाजी झूठ नहीं तो भाई ये बताओ, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो उसमें सब गरीबी भी तो आ गए हैं, हाँ लेकिन गरीबों की कौन सुनता है, कौन सुनता, गरीब की कोई सुनता है, हाँ बस योगी जी तो दरबार लगाते हैं अपने वहाँ पे। योगी जी का दरबार जो है नाम का दरबार है, दरबार में जाओ अपना एप्लीकेशन ले करके जाओ, एप्लीकेशन दरबार में दे करके चले आओ, वो एप्लीकेशन कहाँ जाता है कैसे जाता है इसका कोई पता नहीं लगता है। लेकिन योगी सरकार में पोर्टल चला हुआ है, इसमें ऑनलाइन शिकायत कर दी जाती है मोबाइल से इंटरनेट से। हाँ 1076 नंबर दिए थे कि 1076 पर शिकायत करो, हमने कितनी बार शिकायत किया, कहा वहाँ भेज दिया हूँ वहाँ भेज दिया हूँ, उसका कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। जो अफसर होते हैं किसी भी सरकार में, अफसर काम नहीं करते हैं, सरकार काम नहीं करने देती है उनको, ये भाई हमको तो लग रहा है कि ये सरकार जो ये भारतीय जनता पार्टी की है अफसरों पे कोई दबाव नहीं डालती है, क्योंकि अफसरों को भी इन्होंने छूट दे रखी है कि हमको जिताओ तुम लूटो, हम लूटे तुम लूटो, हैं जनता से कोई लेना देना नहीं, क्यों कि यदि सरकार चाहती कि सबका साथ सबका विकास पे हैं तो गरीब का भी साथ विकास होता, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट और कचहरियों में चले जाओ, SDM ऑफिस या जिला अधिकारी कार्यालयों में, वहाँ पर देखो भीड़ इतनी ज़्यादा हाँ कि वहाँ कागज़ ले ही जाते हैं, अब जैसे दिल्ली में है तो 2 कागज़ लेकर के जाओ तो 1 पर वो रिजर्वेशन दे देते हैं कि हाँ हम इनका कागज़ फलाने डेट को लिया हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गया मैं, 2 बार 3 बार गया हूँ 4 बार गया हूँ और मैं कागज़ देता गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब से पहले जो सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश यादव की, चाहे मायावती जी की, पहले थाना दिवस लगते थे और तहसील दिवस लगते थे, क्या आप लगते हैं वो? वो तहसील दिवस या थाना दिवस लगते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है भाई, आजकल तो पुलिस वाले सीधे कहते हैं कि 15 लाख 20 लाख रुपया दे करके हम ये वर्दी खरीद के आए हुए हैं, तुम्हारा फ्री में करेंगे तो हमारा ये वर्दी का जो ब्याज कहाँ से आएगा, जो हम पैसे लगाए उसका ब्याज कहाँ से आएगा, यदि 15-20 हज़ार रुपया खर्चा करो हाँ दे तो हम तुम्हारे यहाँ गाँव में जा करके मामला देखूँ। आज तक 6 साल हमको हो गया, जितने की थाना अध्यक्ष हैं सब ने बस यही कहा है कि चलो तुम हैं मैं आता हूँ, लेकिन नहीं, फिर दोबारा गए, अरे वहाँ फंस गया, अच्छा चलो मैं आऊँगा, हाँ किसी दिन आऊँगा किसी दिन आऊँगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। योगी जी को बुलाया गया है दिल्ली में, मोदी जी ने और अमित शाह ने उनसे मुलाकात करी है, हाँ क्या रणनीति बनी होगी? अरे अब तो 4 साल लूट लिए हैं, अब सोच रहे हैं कि कोई ऐसी राज्य चलाएं कि जनता को अपनी ओर खींचें, लेकिन जनता इतनी बुरी वो बेसमझ नहीं है, जनता अब समझदार है, जनता में कहें कि पहले बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, अब तो कुछ ना कुछ 5-6-7-8 तक तो पढ़ ही ले रहे हैं, कितने हूँ गरीब हैं वो भी 5-7-8 तक पढ़ ले रखे हैं, तो अब जनता समझदार हो गई है, समझदारी के कारण से, नहीं तो अखिलेश यादव को कुर्सी मिली थी मतलब 7.5-8 साल 2.5 साल उनके पिताजी रहे, अब 5 साल ये रहे अब की बार, और उससे पहले तो अभी उनके पिताजी रहे, तो 7.5 साल लगातार समाजवादियों को यदि चांस मिला था तो इनके पास समाजवाद होता
जब समाजवाद होता तो आज छूटते नहीं, जनता का काम करते तो उन्हीं को पूछते ना। लेकिन जब इनसे दुखी हो गए, कभी मायावती कभी अखिले मुलायम, तो इन लोगों से जब दुखी हो गई जनता तब तो ये इसको भाजपा वालों को, नहीं तो इतने दिन तक चला था ये भारतीय जनता पार्टी को, ये कितने दलों ने मिलकर के इनको बनाए, 13 दिन में एक बार सरकार टूट गई थी वाजपेयी की, फिर 13 महीना में टूट गई थी, हैं का ये बनियों की सरकार है, ये तो जो पहले ही से चिल्ला रहे थे हैं। लेकिन क्या करें, उनके कुकर्मों ने, कांग्रेसियों के और उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती के हैं, इनका तो ये था, लेकिन गुंडों का राज था, गुंडा जो चाहते थे, जो SDM पर DM पर करा करके किसी का फर्जी बैनामा करा लिए, किसी का जैसे जमीन है फर्जी, किसी का घर गिरा करके जमीन कब्जा कर लिए, वही हाल मेरे पास भी हुआ हुआ। जी के बाद में कौन बनेगा CM, कोई या फिर दो वापसी होगी इनकी? अरे देगा परमात्मा, उत्तर प्रदेश जो है धर्म स्थल है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहाँ देखो बाबा विश्वनाथ हैं, इधर मथुरा में भगवान कृष्ण का है, अयोध्या में राम जन्म भूमि है, बिंदास राम मंदिर बना दिए, बनने लग रहा है, हाँ। तो वापसी हो जाएगी योगी जी की? नहीं, कभी नहीं हो सकती। आप तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा का स्थल है उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है, योगी जी ने ये तो कब, आज 25-30 साल पहले ही, जब ये भाजपा वाले जो वहाँ पर लड़ रहे थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उसके बाद 13 दिन भी रहे, 13 महीना भी रहे, 5 साल भी रहे, आगे भी ये मोदी 5 साल रहे हैं, क्यों नहीं बनवाए? ये तो जब ये लूट तन जाइए मचा देखे, ये कोरोना यगड़म 22 में जनता को बुला करके कि ये कारपोरेट घरानों को बेचने के लिए हिंदुस्तान हैं, तब ये मंदिर का ये रेड कराए। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के 90% साधु हैं, जितने वहाँ मंदिरें हैं, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे किसी भी कोने पासे में हो, 90% हमारे UP के साधु हैं। उन साधुओं का राशन कार्ड भी है वहाँ पे, उनका ID भी वहाँ की है, सब सुविधाएं उनको मिल रही है, वहाँ पर है क्या हैं? वहाँ पर बवाल कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर ये मारे जा रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, वो हो रहा है, सबका मर्डर हो रहा है, ये तो ये नेता लोग करवाते हैं। हाँ, मोदी जी का कोई अच्छा काम बताइए। हमारे समझ में तो आज तक कोई अच्छा काम नहीं है। ये मोदी जी ने जो 70 साल आज़ादी के हुए हैं, जो और नेताओं ने और उन्होंने बनाया था, वो 70 साल को इन्होंने पानी फेर दिया, और इन्होंने करीब 25-30 साल पीछे ले गए उत्तर प्रदेश को, या चाहे हिंदुस्तान को। संबित पात्रा तो कह रहे हैं ऊंचाइयों पे जा रहा है। किस बात का ऊंचाई पर? जो ऊंचाई पर गया हो तो बताओ। ऊंचाई पर, हाँ ऊंचाई पर गया है। कौन गए हैं? अडानी अंबानी गए हैं, कारपोरेट घराने गए हैं, जिनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज 100,000 करोड़ की संपत्ति बन गई है। तो योगी जी ने भी अच्छा काम नहीं करा चाहते? योगी जी ने कुछ नहीं अच्छा काम किया, थोड़ा बहुत जो अच्छा भी काम किए वो भी उनके अधिकारी और कर्मचारियों ने खा गए। हम इसी पर बता रहा हूँ कि जो ये अपना सरकारी खरीद है, तो जो चमचे कलछे हैं उन्हीं का बना है, या किसी गरीब का जो 10 क्विंटल वाला है उसका बनवा दिए हैं, कितना, 120 क्विंटल, 150 क्विंटल, 200 क्विंटल, हाँ तो उसके पास तो 10 क्विंटल है, तो वो अपना 10 क्विंटल दिया, आए माफियाबाद जो हैं लिया करके बाकी माल अपना, हाँ इधर उधर से 1400, 1300, 1200 को खरीद करके और उसी के नाम पर वो तौला देते हैं। हमारे भर के किसान यदि माल लेकर के जाएं तो जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाएंगे, सड़ जाएगा माल, लेकिन उनका खरीद नहीं होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो यूपी में योगी जी ने जो ठोको नीति अपनाई थी उसका असर है और अपराध जो है कम हो गया है। कुछ भी नहीं, अपराध कम हो गया है। ये अपराध कम कैसे हुआ? ये जो विकास दुबे मारे गए ना, यदि विकास दुबे रहे होते तो आज कम से कम 50-60 भाजपा के नेता, अच्छे नेता लोग आज जेल में होते। उस बात को छिपाने के लिए उसको मारा। नहीं तो आप ही बताओ कि एक आदमी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया लगा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है, हैं और गाड़ी पलट गई हैं तो कैसे भागेगा? ये तो एक देखावटी और एक झांसा है, हैं उसका तो मर्डर हुआ है और योगी सरकार ने कराया है और ये पुलिस वालों ने किए हैं, इन पे तो केस होना चाहिए, इनको तो 420 में अंदर होना चाहिए।